हमारी पहली खबर नोएडा से है, वहां पर आग का कहर दिखाई दिया है। यहां सेक्टर 93 स्थित गेजा गांव में ग्रोसरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की खबर के बाद स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे रहे। आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है और उसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सिलेंडर होगा, राशन की दुकान में भीषण आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा से। आग का कहर बरपा है यहाँ पर। आग के बाद धुएं का गुबार उठता भी आप देख पा रहे हैं और ये आग राशन की दुकान में लगी, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। राशन की दुकान में भीषण आग, सिलेंडर होगा, आग का कहर बरपा नोएडा में। अगली खबर बलरामपुर से है, वहां पर रफ्तार का कहर बरपा है। तीन बाइक्स के बीच भीषण टक्कर की खबर आ रही है। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। तीन बाइक्स की आपस में टक्कर, बलरामपुर में रफ्तार का कहर। इस हादसे में दो लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। तीन बाइक्स के बीच भीषण टक्कर की खबर, हादसे में दो लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ये लगभग 7 बजे यहाँ तीन लोग आए, जो एक तो ब्रॉड डेड था और एक की हालत काफ़ी गंभीर चल रही थी। गंभीर मरीज का हम लोग उपचार कर रहे थे, उपचार करने के द्वारा उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और तीसरे व्यक्ति को सर में चोट लगी हुई है, आंखों पे सूजन है और वो अभी मरीज ठीक है, जिसको भर्ती कर लिया गया है। प्राथमिक उपचार देने के बाद अन्य उपचार की उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। इस तरह से इस दुर्घटना में दो लोग की मृत्यु हो चुकी है और एक यहाँ पे भर्ती। और आइए अब कोरोना की बात करते हैं। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। एक ही दिन में करीब 29,000 नए मामले सामने आए। 187 लोगों की एक ही दिन में कोरोना से मौत की भी खबर आ रही है। जो नए इन्फेक्टेड हैं, नए संक्रमित लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 18,000 मामले सामने आए। चिंता की बात, कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है पूरे देश में। पिछले कुछ दिनों से कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और सबसे ज्यादा केसेस एक बार फिर से महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। 29,000 मामले कल सामने आए और इनमें से 18,000 अकेले महाराष्ट्र से। 180 से ज्यादा लोगों की मौत, 187 लोगों की एक ही दिन में कोरोना से मौत हो गई। तो ये एक बार फिर से हेल्थ अलर्ट हम सभी के लिए। ये बहुत आवश्यक कोरोना से बचाव करना और वो तमाम सावधानियां बरतना जो आवश्यक है, जो जरूरी है और जिन्हें ज्यादातर लोगों ने त्याग दिया है पिछले दिनों में। वापस उन्हीं सावधानियों की आवश्यकता आन पड़ी है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना फैल रहा है। देश में कई जगह बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन है। कोविड संक्रमण पर आज प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। देश भर में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना और यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना फैल रहा है। कई जगहों पर संक्रमण को बढ़ता देखकर नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है और आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी समस्या पर फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमने कोविड काल में देखा है उन्हें लगातार मुख्यमंत्रियों से संवाद करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार वो संवाद होने जा रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे तेजी से बढ़ते कोरोना के हालात पर। तो देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात करेंगे। कोविड-19 से पैदा हुए हालात और टीकाकरण अभियान के मुद्दों पर आज वो चर्चा करेंगे। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बढ़ते कोरोना के मामलों पर, कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद केंद्र ने वैक्सीनेशन को तेज किया है। आपको बताते हैं राज्यवार स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में 17,864 केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले दिनों। कल
केरल में 1970 मामले रिपोर्ट हुए हैं, गुजरात में 954 केस रिपोर्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश में 817 मामले, दिल्ली में 425 मामले। और आपको हम अब तारीख वाइज भी बता रहे हैं, ये देखिए आप 11 मार्च को 23,298 मामले, 12 मार्च को 24,845, 13 मार्च को 25,154, 14 मार्च को 26,513, 15 मार्च को 24,437 और कल 16 मार्च को बीते कल 28,869 मामले। ये ग्राफ पिछले 7-8 दिनों में लगातार ऊपर जाता हुआ, और इसी बात की चिंता ने प्रधानमंत्री को आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर से संवाद करने पर मजबूर कर दिया है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहरीली शराब का कहर वहां पे बरपा है, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 5 से बढ़कर मरने वालों की तादाद हो गई है 9। मंगलवार को इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत की खबर आई, जिलाधिकारी ने इस मामले पर जांच के लिए कमेटी भी बना दी है, एडीएम प्रशासन और एसपी गंगापार की टीम इस मामले की जांच करेगी। प्रयागराज से खबर, 5 से बढ़कर मरने वालों की संख्या 9 हो गई, जहरीली शराब का कहर बरपा है प्रयागराज में, पहले संख्या 5 बताई जा रही थी, कल अब 9 हो गई है। एडीएम प्रशासन और एसपी गंगापार की टीम जांच करेगी जहरीली शराब के मामले की। हम सीधा प्रयागराज चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास, जो इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। मोइन, आप कल जब हम इस खबर पर बात कर रहे थे, कल जब आपने इस खबर को रिपोर्ट किया था, तो आपने बताया था साफ तौर पे कि प्रशासन इसे कोई और कारण देने पर तुला हुआ है, कोई और मोड़ देने पर लगा हुआ है, लेकिन अब ये क्या बिल्कुल साफ है, प्रशासन को भी स्पष्ट है कि ये जहरीली शराब की वजह से ही मौतें हुई हैं? देखिए, इस मामले में जो सरकारी अमला है वो लगातार लीपापोती की कोशिशों में जुटा हुआ है, अब भी खुलकर ये कतई कबूल करने को तैयार नहीं है कि 9 लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि जिन परिवार के लोगों की मौत हुई है, वहां के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्होंने जिन अपनों को खोया है उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो ठीक ठाक थे और उनकी हालत तब बिगड़ी जब उन्होंने शराब पी थी। तो एक तरफ परिवार वाले हैं जो लगातार चीख चीख कर ये दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी अमला है वो लगातार बचाव की स्थिति में है, और बचाव की स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसे डर है कि सरकार कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर दे। आज जा करके पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इन पर जहरीली और मिलावटी शराब बेचे जाने का आरोप है। उसी इलाके के ये लोग रहने वाले हैं, तो अगर वहां पर जहरीली शराब नहीं बेची गई, जहरीली शराब से मौत नहीं हुई, तो आखिर पुलिस ने 8 लोगों की गिरफ्तारी क्यों की है? तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इतने संवेदनशील मामले में जहां की 9 लोगों की मौत हो चुकी है, तमाम लोग अब भी जिंदगी की जद्दोजहद लड़ रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, जो सरकारी अमला है वो पूरी तरह से संवेदनहीन बना हुआ है, जो पीड़ित परिवार है उनके आंसू पोंछने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय लगातार जो है वो बचाव की मुद्रा में है, लगातार सफाई दे रहा है, और लगातार साफ कहा जाए तो लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। उसको इन दावों की कतई कोई फिक्र नहीं है कि जिन परिवारों के लोगों की मौत हुई है उनके लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है वो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो ठीक ठाक थे और उनकी हालत शराब पीने के बाद बिगड़ी थी। तो अब जाकर के जांच के नाम पर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, एडीएम प्रशासन और एसपी गंगापार को रखा गया है, लेकिन पुलिस उन्हीं अधिकारियों को रखा गया है जिन पर सीधे तरीके से इसकी जवाबदेही बनती है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वो जिम्मेदार थे, और इस तरह की घटना होने के लिए जानकारी दे रहे हैं वही जिम्मेदार थे जिन पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि वही लोग जांच कर रहे हैं जिन पर शंका है। बिल्कुल साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अगर कहीं पर अवैध शराब बन रही है, कहीं पर मिलावटी व जहरीली शराब बेची जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस की होती है, आबकारी विभाग की होती है। अगर जो लोकल पुलिस के जो एसपी हैं, जिस एरिया के एसपी हैं, अगर उन्हीं को जांच दी जाएगी तो वो कितनी ईमानदारी और कितनी पारदर्शिता से जांच करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सीधे तौर पर खुद उनकी भी बनती है। ऐसे में जांच रिपोर्ट क्या आएगी, इसका अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल 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 मोइन, दूसरे जो व्यक्ति है वो एडीएम प्रशासन है, वो भी प्रशासन का हिस्सा है, जाहिर सी बात है। इस बात को, इस तरीके की वारदात को
या जहरीली शराब के कहर को रोकने की जिम्मेदारी, जहरीली शराब के प्रोडक्शन को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पूरे प्रशासनिक अमले की है। और दोनों ही अधिकारी, चाहे वो एडीएम प्रशासन हो या एसपी हो, ये दोनों ही प्रशासन का हिस्सा हैं और ये दोनों ही जांच कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल जायज मोइन, क्या आपने इस बाबत जिलाधिकारी से प्रश्न किया या पत्रकारों ने पूछा कि इस कमेटी का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, लगातार सवाल किए जा रहे हैं और सवाल अकेले एबीपी गंगा नहीं कर रहा है, सवाल तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने को खोया है, वो परिवार कर रहे हैं, जो वो बच्चे कर रहे हैं जो अनाथ हो गए हैं, वो महिलाएं कर रही हैं जो विधवा हो गई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अपना बचाव किया जा रहा है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। और कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अमला है, उन्होंने बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल पीछा करेगा उनका, इस सवाल का जवाब उनको ढूंढना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, इसके लिए वो अकाउंटेबल है। मोइन, एक बड़ी खबर इसी बीच में प्रयागराज से मिल रही है, लाउड स्पीकर से अजान पर रोक की मांग है, नींद में खलल पड़ने का हवाला दिया गया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह मुद्दा उठाया है। जी हाँ, उपकुलपति ने मुद्दा उठाया है। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने पुलिस प्रशासन से इस बात की शिकायत की है। कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अफसरों को इस बाबत पत्र भेजा गया है। बड़ी खबर, फिर से एक बार लाउडस्पीकर से अजान देने का मुद्दा प्रकाश में आ गया है। अब की बार कंप्लेन की है, शिकायत की है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने। कमिश्नर, आईजी और एसएसपी को पत्र लिखा है और लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग की है, कहा है कि नींद में खलल पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, मोइन से समझते हैं। मोइन, बताइए इस खत का मजमून क्या है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए, पिछले साल फिल्म अभिनेता सोनू निगम ने इस मामले को उठाया था, तब यह मामला काफी सुर्खियों में आया था, मामला अदालत की दहलीज तक भी गया था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्जियां दाखिल की थी, लेकिन किसी को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिले थे। अब बात करते हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को। संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को प्रयागराज के डीएम को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा कि उनके घर के नजदीक जो मस्जिद है, वहां सुबह के वक्त जब लाउडस्पीकर से अजान दी जाती है तो उससे उनकी नींद में खलल पड़ता है, इसे रोका जाए। और इससे साथ साथ उन्होंने एक बात, एक आशंका यह भी जाहिर की कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, रोजाना सुबह के वक्त 1 महीने तक अनाउंसमेंट किया जाएगा, इससे आने वाले दिनों में उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी की उस अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ध्वनि प्रदूषण के जो मानक हैं उसका कतई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जो चिट्ठी भेजी गई थी डीएम को, उसकी कॉपी कमिश्नर को भेजी गई थी, आईजी को भेजी गई थी, एसएसपी को भेजी गई थी। 12-13 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सरकारी अमले ने कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि उसके पीछे उनकी दलील ये है कि मामले की जांच की जा रही है, बेहद संवेदनशील मामला है, बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो सरकारी अमला सीधे तौर पर ये कर सकता है कि जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जो मस्जिद की प्रबंधन कमेटी है, वहां जाकर इस बात की ताकीद कर सकता है कि उन्हें जिस निर्धारित मात्रा में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है, सिर्फ उसी तक जो है लाउडस्पीकर बजाया जाए, अगर उससे ज्यादा की आवाज की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ये मामला सामने आया है तो अगले 1-2 दिनों के अंदर सरकारी अमला इस मामले में जरूर कोई कार्रवाई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए, आपने विस्तार से सारा मामला बताया। बड़ी खबर लखनऊ से है, वहां पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। चारबाग स्टेशन पर असलहों के प्रदर्शन के मामले में, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से यह खबर आपको दिखाई थी और हमारी इस खबर के बाद इसका असर हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है। चारबाग स्टेशन पर जो असलहे लहराए गए थे, दिखाए गए थे, उस मामले में। अगली बड़ी खबर हाथरस से आ रही है, सड़क दुर्घटना में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। जिले के सिकंदरा राव रोड पर असंतुलित होकर नहर में पलटी है टबेरा गाड़ी और गाड़ी में सवार 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से सोरों अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे ये सभी लोग, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल 4 लोगों को इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया। बड़ी खबर,
अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। कल पश्चिम बंगाल के बाद आज असम का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दीदी के गढ़ में गर्जन के बाद अब वो असम में प्रचार करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी की जनसभाएं हैं। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जनसभा के पहले मां कामाख्या मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे। मां कामाख्या का मंदिर शक्तिपीठ, प्रसिद्ध शक्तिपीठ, वहां पर जाकर वो पहले दर्शन पूजन करेंगे और उसके पश्चात वो चुनावी सभाओं को आज संबोधित करेंगे। असम में वहां भी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए आपको आज का उनका पूरा कार्यक्रम बताते हैं। सुबह 10:25 पर वो मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर बाद वो मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच जाएंगे। फिर दोपहर 12:20 से 1:05 तक लंका स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:40 से 2:25 तक दरांग जिले के कालाई गांव कॉलेज में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर 3:00 से 3:45 तक बक्सा जिले के रंगिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज असम का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अगली बड़ी खबर आगरा से है। वहां पर साधु की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। यमुना के किनारे एक मंदिर में साधु रहता था। आगरा मऊ रोड खंडारी क्षेत्र में साधु की हत्या की खबर आ रही है। इस हत्या से क्षेत्रीय स्तर पर दहशत फैली हुई है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। खबर आगरा से, साधु की हत्या की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों में दहशत,